श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज यहाँ पर हमारे गांव के मतलब इस कांटा कुरीडी जो कथा स्थल है वहाँ के सरपंच महोदय हमारे साथ उपस्थित है और साथ में है ग्राम प्रमुख और गणमान्य नागरिक। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपके इस ग्राम पंचायत में जी इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हाँ, ये तो बड़े ही खुशी की बात है मैडम जी कि हमारे गांव में शिव महापुराण जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम है और ये हमारे सौभाग्य की बात है जो हमारे छोटे से गांव में इसका आयोजन हो रहा है। और कहना चाहिए कि कई जन्मों का हमारे पुण्य अर्पित हुए एक साथ, तभी ये कार्यक्रम का हमारे गांव में आयोजन हुआ है जी। और इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी अनुभव हो रहा है। हमारे ग्राम के सभी प्रमुख जन और ग्रामवासी मिल करके हम लोग भी यहाँ सहयोग दे रहे हैं और कथा का आयोजन तो हमारे रुद्रेश्वर महादेव समिति संघ द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारे पूरे आसपास के गांव मिल करके इसमें सहयोग दे रहे हैं जी। और ये बहुत ही अच्छा है, खुशी की बात है। और भैया जी अपना परिचय पहले। अरे सॉरी, मैं अपना परिचय बताना भूल गया। मैं सत्यवान ध्रुव जी, ग्राम पंचायत कांटा कुरीडी सरपंच जी, मैं यहाँ का सरपंच भी हूँ जी। और मेरा दायित्व भी बनता है कि यहाँ स्वच्छता को देखते हुए भी स्वच्छता के लिए अपने दीदी लोगों को यहाँ रखेंगे जी और साफ सफाई का भी कार्य करेंगे और पानी की व्यवस्था मुख्य सुविधा है जी, जो हम लोग समिति के द्वारा करवाएंगे। और मैं ज्यादा ना कहते हुए बस अपनी वाणी यहीं विराम देता हूँ। चल भैया, तो हमारे साथ में है हम ग्राम प्रमुख कांटा कुरीडीह के भैया। तो भैया जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले तो अपन परिचय दे दो। मेरा नाम है खेमन लाल साहू जी, ग्रामीण प्रमुख, और मेरे साथ साथ और दो चार प्रमुख है जो वर्तमान में यहाँ पे नहीं है जी। तो कथा स्थल पर आया था थोड़ा देर के लिए लेकिन चले गए। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव कांटा कुरीडी में की कथा हो रहा है और पूरा ग्रामीण ने इतना खुशी है कि बहुत हद से ज्यादा खुशी है। और आयोजक समिति बांसपारा से हमारे गांव में दो तीन बार ऐसे मीटिंग किया कि हम लोग को साथ देना करके, तो हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और जब दो महीने से कम यहां का मैदान को साफ सफाई करते हुए आज तक अभी यहां तक पहुंचे हैं और अभी 20 तारीख को जैसे कार्यक्रम होगा तो हम लोग पूरा पूरा गाँव से जैसे 250-300 जो छानी है घर है वहाँ पूरा हम लोग सहयोग करेंगे करके आज ही के डेट में बात हुआ है जी। जैसे साफ सफाई की हो भैया इसको तो सब लोग सहयोग किए हैं, गांव वाले लोग पूरा सहयोग किए हैं उसे जी। और आसपास के जो गांव है क्षेत्र है जी, उन लोग भी आकर भी सहयोग कर रहे हैं। वो लोग पर्दे के पीछे वाले हैं जी, जी, जी। भाई उन्हीं का मेहनत सबसे पहले है। हाँ चले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी जी हम एक यूट्यूब चैनल से हैं और आप इस बार सबसे पहली बार धमतरी एरिया में शिव महापुराण के कथा होते, तो आप मन कैसे लागत है और अपन अनुभव शेयर कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तुभ्यम। हमारे एरिया में शिव महापुराण के जो आयोजन हो है बहुत खुशी लगत है, बहुत अच्छा लगत है। ये आयोजन हमेशा हमन टीवी में देखत आ रहे हाँ। आज हमारे गांव होते एक खुशी ल जाहिर नहीं के। आप कौन गांव से हो? मैं यहीं से हूँ, यहीं से। परिचय बता दूँ आप सबसे पहले? मेरा नाम संतोषी साहू है और मैं अभी जनपद सदस्य हूँ जनपद पंचायत नगरी जी। दीदी आप मतलब भी कोई दायित्व तो मिले है? हाँ मिले है ना जी, पूरा मतलब देख रेख में पूरा दायित्व है। आप संरक्षक हो है ना? चलो।